नमस्कार, मैं हूँ मंजू। आइए आज हम बनाएंगे साउथ की फेमस डिश इडली। और इडली बनाने के लिए हमको जो सामान चाहिए वो है ये हमने एक कटोरी इडली का रवा धोकर वॉश करके रख लिया था। ये देखिए, इसको हमने धोकर वॉश करके रख लिया है। उसका ये इडली का रवा आपको इजली मार्केट में हर दुकान पर मिल जाएगा। और इसमें अगर हमने एक कटोरी इडली का रवा लिया है तो हम इसमें आधी कटोरी से भी थोड़ी सी कम उड़द की दाल को 2 से 3 घंटे भिगाकर धोकर हमने रख लिया था। देखिए दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है। और इसमें पीसने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दाल को पीस लेते हैं। बाद में हमने जो ये इडली का रवा लिया था वो हम इसमें मिला लेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेंगे। हमने कहा इडली का जो हमने ये घोल इसमें पीसा था वो हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमने इडली का घोल इसमें बर्तन में निकाल लिया। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसको अच्छी तरह से फेंट देंगे। फेंटने के बाद हम इसको 8 से 10 घंटे के लिए एक प्लेट ढककर रख देंगे। इडली का घोल जो हमने पीसा था उसको हमने 8 से 10 घंटे के लिए ढककर रख दिया था। ये देखिए, उसके बाद में इस तरह का घोल हमारा इसमें अच्छा खमीर उठ चुका है। चलिए अब हम एक प्लेट में जो इडली का कुकर होता है उसकी एक प्लेट लेकर इस तरह से उसमें ऑयल लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा। एक बूंद तेल डाल के, आपके पास तेल है या घी है जो भी है, वो थोड़ा सा इस तरह से लगा लेंगे। हम एक चम्मच लेके इसमें थोड़ा थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। ज्यादा ऊपर तक हम इसको नहीं भरेंगे। इस तरह से हम चारों खाने में घोल को डालकर, और ये जिसका स्टैंड है इडली का उसमें हम लगा देंगे। इस तरह से हम पूरी प्लेटें भर भर के रख देंगे। ये देखिए, हमने सारी प्लेटों में अच्छी तरह से इडली का घोल भरकर और स्टैंड रेडी कर दिया है। अब ये जो इडली का कुकर है इसमें हमने एक लोटा पानी डाला है नीचे नीचे तली में रहे, जिससे क्या प्लेट डूबेगी नहीं है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, खाली नीचे एक लोटा पानी डालना है। वो जैसे ही गर्म हो जाता है तो इस तरह से हम स्टैंड को उसके कुकर के अंदर रख देंगे और इसको ढक देंगे। इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रखेंगे। चलिए 10 से 15 मिनट के लिए हमने गैस पर कुकर बंद करके रख दिया था। अब हम चेक करेंगे हमारी इडली पकी या नहीं। ये देखिए, इस तरीके से हम देख लेंगे चक्कू से टच करके। ये देखिए, चक्कू हमारा बिल्कुल साफ है, इसका हमने हमारी इडली बन चुकी है। स्टैंड को बाहर निकाल देंगे। गर्मा गर्म इडली खाने के लिए तैयार है। एक बार आप हमारा इडली का वीडियो देखकर घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए गरम गरम इडली। और इसके साथ हमने जो नारियल वाली चटनी बनाई है उसके साथ ये खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अगर आपको नारियल की चटनी का वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए इडली हमारी रेडी है, अब हम बनाएंगे मेयोनीज इडली। और मेयोनीज इडली बनाने के लिए हमको जो सामान चाहिए वो है ये हमने इडली बनाकर रखी है, और ये हमने थोड़े से टमाटर महीन काट के रख लिया, और ये कारम पुड़ी पाउडर, और ये हमने थोड़ा सा मटर लिया है, और ये है मेयोनीज, क्योंकि ये इडली का नाम ही मेयोनीज है। तो चलिए हम इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए पैन गरम हो चुका है, हम इसमें इडली डाल देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी थोड़ी कारम पुड़ी पाउडर। अब हम डाल देंगे इसके ऊपर ये टमाटर। हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मेयोनीज। ये सभी चीजों को थोड़ा हल्के से दबा के इसको सेक लेंगे। हम इसको दूसरे साइड पलट देंगे और हम इसका सेम रिपीट दूसरे साइड भी करेंगे।
गरम पूरी पाउडर डालने के बाद ये मेयोनीज इडली एकदम सिक करके फ्राई होके तैयार है खाने के लिए। तो एक बार इसको हमारा वीडियो देखकर आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूले, और उसी के साथ हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन लगातार पाते रहे अपने मोबाइल पर डायरेक्टली।